बेकरी जैसे स्वादिष्ट और खास्ता कोकोनट कुकीज, और वो भी फ्राई पैन में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कोकोनट कुकीज को फ्राई पैन में बनाने की बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बस 12 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और बहुत ही ज्यादा खास्ता और हल्के कुकीज बनकर तैयार होते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्वादिष्ट कोकोनट कुकीज बनाने के लिए आधा कप मैंने प्लेन अनसाल्टेड बटर लिया है, और इसके साथ ही इसमें 3/4 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल चीनी को ही मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है, और अब बटर और शुगर के मिक्सचर को हमें फेंट कर हल्का करना है। इस तरह से जब हम बटर और शुगर के मिक्सचर को फेंटते हैं तो उसमें हवा भरते जाती है, और मिक्सचर काफी लाइट और फ्लफी होने के साथ साथ इसका कलर भी लाइट होते चला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इसका कलर काफी येलोइश है, और फिर से मैं आपको इसे फेंटने के बाद दिखाती हूँ। लगभग 6 से 7 मिनट फेंटने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब बटर और शुगर के मिक्सचर का कलर लाइट होकर क्रीमिस हो गया है, और यह काफी फ्लफी भी हो गया है। तो इस समय इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, और इसके साथ ही इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बस ध्यान रखें कि इसे हमें ज्यादा नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करते हुए इसे हमें मिक्स कर देना है। तो अगर ज्यादा मिक्स करेंगे तो बटर और शुगर के मिक्सचर को हमने जो फेंट कर फ्लफी बनाया था तो उससे हवा निकल जाएगी, और उसके बाद जब हम कुकीज बेक करेंगे तो वह खास्ता नहीं बनेंगे। तो इसका खास ध्यान रखें और बस हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दें। अब अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि कुकीज के डो को हमें गूंदना नहीं है, बस इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। कुकीज का डो हमने रेडी कर लिया है, तो अब इसका छोटा सा पोर्शन लेकर और हम इसे कुकीज का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसकी एक बड़ी सी पूरी बेलकर और कुकी कटर से काट के इसे मनचाहे शेप में कर सकते हैं, पर मैं इसे इसी तरह से सिंपल हाथों से करना प्रेफर करती हूँ। अब कुकीज को बेक करने के लिए हम फ्राई पैन रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मोटे तले वाले फ्राई पैन का यूज करें, और इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल अप्लाई करने के बाद पर्चमेंट पेपर या बटर पेपर डालें। तो पर्चमेंट पेपर या बटर पेपर डालना बहुत ही जरूरी है, यह हमारे कुकीज को नीचे से जलने से बचाएगा। और इस तरह से मैंने एक कुकीज रेडी कर लिया है। तो अब इस तैयार कुकीज को हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से अच्छी तरह से कोट कर देंगे, और इस कुकीज को हम फ्राई पैन में बेक करने वाले हैं। तो बस थोड़े से पतले कुकीज आप तैयार करें, ज्यादा मोटा कुकीज नहीं रखें। तो यहाँ मैंने 1/4 इंच मोटाई की कुकीज तैयार की है, और फ्राई पैन में इसे 1/2 इंच की दूरी पर हम इस तरह सावधानी से रख देंगे। तो फ्राई पैन वाले कुकीज मैंने रेडी कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस कुकीज को अवन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से कुकीज को अवन में भी बेक करने के लिए रख रही हूँ। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। अब हमने जो फ्राई पैन में कुकीज रेडी किया था उसे गैस के ऊपर रख कर और उसे ढक देंगे, और अब गैस का फ्लेम ऑन करके पहले 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे, और 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट बेक करेंगे। 7 से 8 मिनट बेक करने के बाद आप इसे चेक करते रहें, क्योंकि बेकिंग टाइम फ्राई पैन की मोटाई और गैस के फ्लेम दोनों पर डिपेंड करती है। तो 1 से 2 मिनट कम या 1 से 2 मिनट ज्यादा आपको लग सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और अवन वाले कुकीज को भी हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो पहले 15 मिनट का टाइमर सेट करें और चेक करें, और अगर कुकीज बेक नहीं हुए हो तो आप 5 मिनट और बढ़ाकर कुकीज को बेक कर सकते हैं।
12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए कुकीज चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर से तो कुकीज बिल्कुल डन लग रहा है, तो अब इसे हम अंदर की तरफ से भी चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से कुकीज बेक हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। और मैंने जो अवन में कुकीज रखा था उसे भी निकाल लिया है, और ये कुकीज भी बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुए हैं, बस इनका कलर थोड़ा सा लाइट आया है। तो है ना बिल्कुल नई और आसान सी रेसिपी। ठंडा होने के बाद इन कुकीज को एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप पूरे 2 से 2.5 महीने तक रख सकते हैं, और बने हैं ना बिल्कुल बेकरी जैसे ही स्वादिष्ट और खास्ता कुकीज। देखने से ही बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, और इसे बनाने के लिए ना तो अवन, कड़ाही या प्रेशर कुकर की जरूरत है। बस एक भारी तले के फ्राई पैन में आप इसे बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस आसान और बेहद स्वादिष्ट कोकोनट कुकीज को एक बार बनाना तो बनता ही है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।